जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 10.2 में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 2 तक तो पूरा हो गया था, आज तीसरा से देखना है। अब तीसरा में कुछ फार्मूला बताए थे, क्योंकि कल का जो क्लास था वो पूरा पूरा थ्योरी बेस्ड था, ये कहो कि पूरे पूरे थ्योरी वाला क्लासे था वो। अगर वो याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो अभी याद आ जाएगा। जस्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बराबर -1 और +√3, यहाँ माइनस में है, -2, और बीटा बराबर -1 -√3 -2, तो साबित क्या करना है ज़रा उसको भी तो ध्यान में रखें। तो सिद्ध करें कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा +1 इज इक्वल टू 0। देखो उतना साबित करना, अल्फा मतलब इतना देख रहे हैं जो भी है, अगर ध्यान से देखोगे अल्फा तो -1 +√3 आई हो जाएगा ये, और -2 ये आई है। कल हम इसको बताए थे कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको ओमेगा मानते हैं। जैसे बीटा अगर देखें, बीटा इक्वल टू -1 -√3 आई और -2। आई किस आई का है लिखे, अरे आई इसके लिए लिखे हैं, तो बीटा बराबर ये वाला तो कल ही बताए थे, -1 और +√3 आई है तो ओमेगा, लेकिन अगर माइनस में है तो इसको बोलो ओमेगा आसपास। अब जो सिद्ध करना है ज़रा उसमें पुट करो, सिद्ध क्या करना, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा +1 इज इक्वल टू 0। ज़रा चेक कर लेते हैं, अल्फा मतलब ओमेगा, बीटा मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा मतलब ओमेगा स्क्वायर, अल्फा मतलब ओमेगा प्लस में 1 इज इक्वल टू लाना है 0। कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल करो, जिसे इसे ही कट गया था, यहाँ से बच गया 1/ओमेगा प्लस, यहाँ से बच गया सिर्फ ओमेगा प्लस में 1। अब हम कहेंगे भिन्न के जोड़ बनाते थे, जैसे नीचे ने कुछ तो एक है एलसीएम तो ओमेगा हो गया, ये 1 ही रह गया। अब 1 में क्या गुना करें कि ओमेगा हो जाए, तो 1 में ओमेगा गुना करना हो, ऊपर ओमेगा से गुना कर दो तो ओमेगा स्क्वायर। अभी 1 में क्या गुना करें कि ओमेगा बन जाएगा, तो उसमें ओमेगा गुना करना है, मतलब फिर ऊपर ओमेगा गुना करो। जैसे ही गुना करें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा, ये तीनों के जोड़े पर मान कितना होता है, कल ही बताए थे हम, ये तीनों जोड़ेंगे तो एकर मान 0 होता है, तो 0 और बटा में होगा, मतलब बटा में ओमेगा रहे योगा रहे कौची रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर तो हो गया 0 और ऊपर 0 हो गया मतलब इसका मान 0 हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व, आप लोग जो बनाते हैं ना हमको मालूम है कि आप लोग इसको कैसे बनाते होंगे, अल्फा की जगह पर इतना मान रखो, बीटा की जगह पर इतना रखो, फिर जोड़ घटाओ बनाओ एलसीएम, इसमें ढेर टाइम बर्बाद हो जाता है यार, उतना टाइम ही तो आपको नहीं मिलता। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में देखिए कह रहा है कि यदि एक का 3 घनमूल, एगो एक है एगो ओमेगा है एगो ओमेगा स्क्वायर है, तो दिखलाइए कि क्या दिखलाइए। पहले नंबर में पहला नंबर जो क्वेश्चन है 1 प्लस
ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, पहले नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर भी देख लो, दूसरा नंबर क्वेश्चन है थ्री प्लस ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर टू द पावर सिक्स इज इक्वल टू 64। यहाँ पे फॉर्मूला याद दिलाना बहुत ज़रूरी, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इस जगह पे इतना जगह में आपको दिखाई दे रहा होगा, जाहिर सी बात है यहाँ फॉर्मूला याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। देखिए याद दिलाना क्या है जो देखिए, पहले तो आप वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इन तीनों का मान वन याद रखिएगा। फिर बोले थे कि वन प्लस ओमेगा अगर कभी दिखाई दे तो उधर भेज देना, सॉरी जीरो होगा, जीरो होगा। वन प्लस ओमेगा दिखाई दे तो उधर भेज देना माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ऐसा हो गया कि नहीं सर इधर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो बोलना माइनस वन उधर जाए, नहीं सर ऐसा नहीं कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो फिर उसको भेज देना माइनस में ओमेगा, याद रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। देखिए अब यहाँ पर इसमें एल एच एस, वन प्लस ओमेगा दिखाई दे रहा है और ये ओमेगा स्क्वायर है तो बोले थे ना कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, या तो गड़बड़ हो गया या तो माइनस है, यहाँ पर तो माइनस है, हम बोले थे प्लस होना चाहिए, ये गड़बड़ है। कोई बात नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो इसको छोड़ दो माइनस ओमेगा स्क्वायर को और इसको बदल दो, इसके जगह आप लिख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके जगह पे कैसे है इसे। अब वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा, ये तो खैर है ये है माइनस ओमेगा, ये माइनस में ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस में ओमेगा स्क्वायर, तो दो बार ने हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ माइनस ओमेगा यहाँ माइनस ओमेगा, मतलब माइनस में टू ओमेगा। ये तो ऐसे भी माइनस से माइनस कट गया, दो और दो दो दूनी चार हो जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा पे पावर वन, तो अगर दोनों ओमेगा गुना कर देंगे तो यहाँ दो पावर और यहाँ एक पावर, ओमेगा पे पावर तीन। अब एक चीज़ अब और बोले थे, एक चीज़ और बताए थे, यहाँ लिख देते हैं ऐसे ही घेर के कि ओमेगा टू द पावर तीन रहे, ओमेगा टू द पावर छः रहे, ओमेगा टू द पावर नौ रहे, ओमेगा पे पावर बारह रहे, मतलब ओमेगा पे कोई वैसन पावर रहे जो तीन से कट जाता है तो उसका मान एक होगा, तो ये तो हो गया फोर, और ओमेगा क्यूब मतलब वन, यानी गुना कर दो तो कितना हो गया चार, और साबित भी कितना करना था चार, तो हो गया साबित। इधर देखिए थ्री प्लस ओमेगा कोई तालमेल नहीं, ऐसा कोई सूत्र नहीं बनता, वन प्लस ओमेगा होना चाहिए तो इसके साथ तो कोई तालमेल है ही नहीं। हाँ ये भले लग रहा है कि तीन और तीन इसके साथ भले ही तालमेल है, तो इसमें और इसमें से दोनों में से आप तीन कॉमन ले लो, अगर तीन निकाल लोगे तो बचेगा वन और प्लस में, वहाँ से तीन निकाल देंगे तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस में यहाँ रह जाएगा ओमेगा, ये पूरे पर पावर सिक्स, ये थ्री हो गया और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप कितना लिख देंगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप कितना बैठा देंगे माइनस ओमेगा, तो लिख दो माइनस ओमेगा। माइनस कहाँ लिखे, अरे पहले लगा दो, और ये वाला हो गया प्लस में ओमेगा टू दी पावर सिक्स। अब सोचो कि ओमेगा में से तीन ओमेगा घट गया तो माइनस टू ओमेगा टू दी पावर सिक्स, माइनस दो को लिखो, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, मतलब कई बार लिखना है छः बार, तो माइनस टू टू दी पावर सिक्स और फिर ओमेगा टू दी पावर सिक्स। पता चला कि माइनस दो पे पावर छः दिए हैं, तो माइनस दो गुने माइनस दो गुने माइनस दो गुने अगर छः बार लिखेंगे तो गुना करके देख लेना 64 हो जाएगा, और ओमेगा टू दी पावर तीन हो चाहे छः रहे चाहे नौ रहे चाहे बारह, ओमेगा पर कोई वैसन पावर जो तीन से कटता हो तो उसका मान एक हो जाएगा, तो 64 × 1 अगर कर भी देते हो तो 64 हो गया, यही तो साबित करना था 64। चौथा में दो क्वेश्चन था, दोनों हो गया सॉल्व। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, पचमा में है कि मान निकाले किसका, देखो बहुत बड़ा मान दिए हुए, -2 + 2 अंडर रूट, -2 + 2 अंडर रूट, -2 + ... कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इसका मान निकालना। देखिए इसका मान कैसे निकलेगा, अगर इसका मान निकालना है तो इसको ऐसे मान के चलो कितना बराबर x, यानी x ही निकालना। अब -2 और +2 रूट अंडर, -2 + 2 फिर रूट अंडर, -2 + ... तो बड़का रूट कहाँ गया होगा, बड़का रूट इधर आके एक्स के स्क्वायर होगा। अब अगर इतना हटा दे तो फिर से देखोगे वही चीज़ है, रूट अंडर -2 + 2 फिर रूट अंडर, वही चीज़ फिर चल रहा है इनफाइनाइट तक। तो अगर एक बार रूट हट ही हो गया तो कौची फ़र्क पड़ेगा, -2 + 2 छोड़ दो और ये फिर से देखोगे तो एक है, अरे ये फिर से तो वही चीज़ वहाँ फिर से रिपीट होने लगा, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ एक और रूट हट गया ना, अरे इनफाइनाइट है यार, इनफाइनाइट के मतलब अथाह समंदर है, और अथाह समंदर में से कोई एका गिलास पानी निकाल ले और चिल्लाने लगे कि समुंदर के पानी घट गया, अब समुंदर में अथाह पानी है और आप एका गिलास अगर पानी या एका लोटा पानी निकाल लोगे तो उससे कुछ होगा, समुंदर के पानी कम हो जाएगा। जैसे किसी के पास मान लो कि अरबों रुपया है और अगर एका रुपया गिर भी गया तो वहाँ पे उसका गिनती नहीं करेगा वो, उतना छोड़ो ना यार, बोली चाली की भाषा में आम जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि मोबाइल का दाम रहता है 9,999 रुपया, लेकिन दुकानदार हमसे 9,999 रुपया नहीं लेगा, डायरेक्ट बोलेगा 10,000 पेट कीजिए, कहता 1 रुपया की क्या कीमत है जी, आप 9,999 रुपया के सामान ले रहे हैं तो 1 रुपया दे दीजिए। तो दुकानदार क्या, हम लोग भी वैसे ही करते हैं, 1 रुपया अगर अपना निकलता है तो कहते हमको दे दो, उसका निकल रहा है बच रहा है चलो भाई उसको दे दो, तो 1 रुपया इतना बड़ा बड़ा गिनती में गिना नहीं जाता। तो वैसे ही इनफाइनाइट है, ये तो अनंत है, इसमें से अगर एक रूट हट भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये बोला फिर से क्वांटिटी एक्स रह जाएगा। अभी हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x प्लस में 2 = 0, अब इसी को सॉल्व करना है एक्स बराबर फार्मूला, -b + -√b² - 4ac और बटा में 2a। देखिए इधर एक्स बराबर माइनस, तो माइनस ही रहने दो, चलो यही लिखते हैं अभी एक्स बराबर माइनस, माइनस रहने दो, b मतलब कितना इधर हटा कर बाद में लिखेंगे, बी मतलब -2, बी मतलब माइनस से 2 है तो इसको प्लस बनाओ ना यार, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर ऐसे भी 4 और माइनस में 4, ए मतलब 1 हो गया और सी मतलब 2 हो गया और बटा में 2a, तो 2 × a मतलब 1 हो गया। अब भले इधर लिखते एक्स बराबर 2 और प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखिए 4 है और 4 में से घटा कितना रहे हो, 4 × 2 = 8, तो 4 में से अगर 8 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 4 और बटा नीचे तो हो गया 2, एक्स बराबर कितना हो गया 2 प्लस माइनस, इसका रूट अगर निकालते हैं तो 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस में था इसलिए आई और बटा में 2, आप 2 और 2 कॉमन ले लो, अगर 2 और 2 कॉमन ले लोगे तो 1 + - i बचेगा और बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, जो दिखाई दे रहा है 1 + - i यही वाला आंसर होगा। तो अगर इसका कोई आंसर पूछे तो बोलिएगा 1 + - i। 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर छठा, छठा में है कि दिखलाइए कि रूट अंडर थ्री प्लस आई और बटा दो टू द पावर सिक्स आई माइनस रूट थ्री बटा दो बराबर माइनस टू। अच्छा इसमें ही पावर सिक्स है, इसको बताने से पहले बहुत कुछ हम बतलाने वाले हैं। पहले तो इसको ऐसे लिखो कि जो भी दिखाई दे रहा है, माइनस मतलब आई और प्लस रूट थ्री। कहेंगे ऐसे कहा कि अरे आई को पहले उसको उधर भेजो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, बटा दो टू दी पावर सिक्स। वो तो खैर सही है, आई और माइनस रूट थ्री बटा दो पावर सिक्स, इधर तो बाद में आना, पहले यहाँ पर कुछ लिखेंगे उसको ध्यान से देखिएगा जो लिखने वाले। माइनस वन और प्लस रूट थ्री आई बटा दो, इसको कहा जाता है ओमेगा, और माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बटा दो इसको हम लोग कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आई है और ये रूट थ्री है, तो यहाँ और यहाँ अगर कंपेयर करोगे तो रूट थ्री ठीक है मिल रहा है, रूट थ्री बटा में दो ठीक है, बटा में रूट दो, रूट थ्री सही है, दो सही है। गड़बड़ क्या है कि रूट थ्री के साथ में आई होना चाहिए, नहीं है। और क्या गड़बड़ है कि जहाँ आई नहीं होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए। मतलब पहले हम इधर लिखते हैं समझाने के लिए, अगर आई है रूट थ्री है और बटा में दो है, अगर इसमें अपने मन से आई गुना कर दे, मान लो गुना कर देते हैं, तो आई गुने आई, आई स्क्वायर हो जाता और ये हो जाता रूट थ्री आई और बटा में दो, ये हो जाता माइनस वन और प्लस रूट थ्री आई बटा में दो। अब देखो ऊपर वाला जैसा नहीं हो गया, लेकिन कैसे जब हम आई से ऊपर गुना किए तो हमारा राज चलता है कि अपने मन से हम जहाँ मन वहाँ गुना कर देंगे। अरे ऊपर गुना किए तो नीचे भी गुना करेंगे, तब बोलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं, हम ऊपर नीचे गुना करने वाले हैं आई से, इसको गुना किए तो आई स्क्वायर रूट थ्री आई, मतलब ऊपर आई से गुना कर दिया, नीचे भी आई से गुना कर दी। हालांकि फिर कॉमन लेके चाहें तो काट देंगे, आई 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 कॉमन ले लो तो ये कट जाएगा और फिर से वही आ जाएगा जो ऊपर, लेकिन काटना मत। इसमें आई स्क्वायर माइनस में रूट थ्री आई और बटा में दो आई टू दी पावर सिक्स। अब ये आई स्क्वायर के वैल्यू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई और बटा में दो टू दी पावर सिक्स प्लस, इसको लिखो माइनस वन माइनस में रूट थ्री आई और बटा में दो टू दी पावर सिक्स। अब आपके दिमाग में एक बात उठेगा, एक सवाल उठेगा कि इसके साथ आई था वो किधर गया, इसके साथ आई था वो किधर गया। यहाँ तो आप आई लिखे ना, उसको अलग से लिखेंगे, पेशेंस रखो। हम दोनों में से वन बटा आई, वन बटा आई टू दी पावर सिक्स कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिए, कोई टेंशन ही नहीं, इसको एकदम बाहर लिख दिए। क्यों? क्योंकि वन बटा और आई टू दी पावर सिक्स अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू से मेरा क्लास देख रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग से समझाएं कि आई टू दी पावर सिक्स को लिखा जाता है माइनस वन। अब शुरू से देख ही रहे हो, ऐसे ही उठ के आज आ गए हो तो नहीं समझ में आएगा। स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं तो शुरू से जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है एलेवेंथ का कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले जाके चेक करो तब यहाँ तक पहुँचो, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आई टू दी पावर सिक्स के मान माइनस वन कैसे, वह बता दे। देखिए आई टू दी पावर सिक्स को लिखा जाता है ऐसे, आई टू दी पावर फोर और गुने में आई के होल स्क्वायर। आई टू दी पावर फोर का मान वन हो जाएगा और आई स्क्वायर के वैल्यू माइनस से वन होता है, इसीलिए कहते हैं कि आई टू दी पावर सिक्स के जगह पे माइनस वन लिख दिए, माइनस वन। इसको ज़रा देख के बताए ये क्या है,
अगर याद हो तो इसको क्या बोलते, नहीं भी याद हो तो अभी भी कम से कम अपना नज़र दौड़ा, इस पूरे बोर्ड पर कहीं कहीं दिखाई देगा आपको ये वाला चीज़, यहाँ है यही वाला चीज़, देखो यहाँ से उठा कर हे, यहाँ आ गया, इसको देखो यहाँ से पकड़ के हे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं ना यह है ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 6 और प्लस ई जो देख रहे हैं, ये पहली बात कि ओमेगा स्क्वायर है और उस पर पावर 6 है, तो -1 रहने दो, -1, ओमेगा टू द पावर 6 का मान 1 और ये ओमेगा टू द पावर 12 हो जाएगा, पावर पे पावर है तो ओमेगा पे पावर 3 से कटने वाला कोई भी पावर हो उसका मान 1 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2, लेकिन माइनस में, और ज़रा गौर से अगर बोर्ड देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि साबित भी क्या करना था, -2। तो आज का तो टारगेट था कि 3 से लेके हमको 6 तक बताना है, 3 से लेके 6 तक बताती हैं, 7 भी चाहें तो हम बता सकते हैं, टाइम देख लें एक बार, चलो टाइम बच रहा है अभी, अभी 21 मिनट का टाइम है हुआ, 7 भी बता ही देते हैं, इसे तो 3 से लेके 6 तक है, 7 भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि IAC के स्टूडेंट हो यार, अगर आधा घंटा भी नहीं पढ़ोगे मन से तो क्या पढ़ोगे, 10 मिनट 15 मिनट में क्या पढ़ाया होता है, वो तो जल्दीबाजी में कुछ वैसा टॉपिक रहता है जिसमें 2-3 को टॉपिक मिक्स नहीं करना चाहते, इसलिए 10-15 मिनट की कभी कभी वीडियो बना देते हैं। 7वां नंबर, 7वां में है कि यदि एक का 3 घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो तो दिखाइए कि, अब क्या दिखलाना है वो देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन पहला में है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1। दूसरा भी देख लो, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8 इज इक्वल टू 1। देखें 1 प्लस ओमेगा को ऐसे भी हम लोग क्या जानते हैं कि क्या लिखें, 1 प्लस ओमेगा बराबर हम पहले भी बोले हैं कि माइनस में ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिखो माइनस में ओमेगा, थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 है, जब भी पावर 3 से बड़ा रहे, पावर जब भी 3 से बड़ा रहे तो इसको 3 से भागा दे दो, डायरेक्ट हम कहते हैं 3 से भागा दे दो, क्यों, चलो नहीं है भागा तो तोड़ के समझाते थे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब गुने ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 5 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब गुने ओमेगा उस पर, ऐसे ही लिखिए भाई, हालांकि ये दोनों गुना होगा तो माइनस माइनस तो पहली बात की ख़त्म, और ओमेगा हो गया क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान याद रखना 1, इधर क्या बचा 1 प्लस, इसका वैल्यू 1 तो बच गया ओमेगा गुने 1 प्लस, इसका वैल्यू 1 तो हो गया ओमेगा स्क्वायर गुने 1 प्लस ओमेगा, मतलब माइनस में ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब कि माइनस ओमेगा, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों को गुना कर देंगे तो 1 और गुने, ये दोनों गुना करो तो ओमेगा क्यूब, और जब भी पावर 3 से कटने वाला कोई आ जाए ओमेगा पर तो 1 गुने 1, मतलब ये ऐसे भी 1, तो यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ जो हो गया। इधर देखिए, पहले तो 1 प्लस ओमेगा हम लोग जानते हैं कि माइनस में ओमेगा स्क्वायर गुने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी बोले माइनस में ओमेगा, इन दोनों को घेर के लिख दो,
इधर तोड़ना होगा, वन प्लस और ओमेगा टू द पावर फोर को आप ऐसे लिखो कि पहले ओमेगा क्यूब और गुने ओमेगा। ऐसे हम सहूलियत के लिए बताते हैं कि पावर अगर तीन से बड़ा हो तो डायरेक्ट तीन से भागा दो और जितना शेषफल बच जाए उसी को कंसीडर करो, क्योंकि तो ऐसे भी वन हो गया जो वन प्लस, यहाँ तो ओमेगा टू द पावर सिक्स है, डायरेक्ट तीन से भागा दो तो ओमेगा टू द पावर सिक्स हो गया और बचा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ माइनस 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 हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा टू द पावर वन मतलब ओमेगा क्यूब, हालांकि इसका मान ऐसे भी वन होगा, इंटू वन और प्लस ओमेगा क्यूब के मान वन तो बचेगा ओमेगा गुने वन प्लस ओमेगा टू द पावर सिक्स का मान वन तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वन हो गया, इसके जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसके जगह पे माइनस ओमेगा, हालांकि माइनस से माइनस कैंसिल तो वन प्लस ओमेगा क्यूब, ई वन है ई वन है तो गुना करके ऐसे भी तो वन ही आएगा, तो साथ में दो को क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सात के तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा सात के तीसरा है दो प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल क्यूब और प्लस वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर आठ माइनस वन माइनस थ्री ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर फोर इज इक्वल टू वन लाना। पहले तीसरे देख लीजिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू माइनस वन टू द पावर थ्री, इधर समझो वन प्लस ओमेगा अगर इन दोनों को एक साथ रखे तो इसके जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ तो पहले से माइनस ओमेगा स्क्वायर है टू द पावर आठ माइनस यहाँ से वन और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब माइनस ओमेगा और यहाँ पहले से है माइनस थ्री ओमेगा टू द पावर फोर। इधर देखिए दो में से अगर एक घट भी गया तो एक पे पावर तीन लिखो चाहे तीस लिखो ये कहीं रहेगा, ये दोनों को मिला दो माइनस में टू ओमेगा स्क्वायर टू द पावर आठ माइनस 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 मतलब माइनस में फोर ओमेगा टू द पावर फोर, वन तो वन हो गया पहले तो दो पे पावर आठ, चलो लिखते हैं माइनस टू पे पावर आठ और गुने ओमेगा टू द पावर दो और आठ यानी आठ दुनी सोलह माइनस में ये हो गया माइनस फोर टू द पावर फोर और गुने ओमेगा टू द पावर फोर, यहाँ समझो वन दो पे पावर आठ दो दुनी चार चार दुनी आठ आठ दुनी सोलह सोलह दुनी बत्तीस ऐसे करते रहो तो शायद 256 हो जाएगा, गुना करके देख लेना। और ओमेगा टू द पावर सोलह हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ओमेगा टू द पावर तीन से बड़ा रहे, तीन से बड़ा पावर है, तीन से बड़ा पावर है, इसको ओमेगा बोलते हैं कुछ लोग, इसको डब्लू मत बोलना, तीन से बड़ा पावर है डायरेक्ट तीन से भागा दो, अब बोलो कितना शेषफल बचा, एक तो एक लिखो माइनस तो ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे चार के स्क्वायर 256 पावर तीन से बड़ा है तो एक हो गया, हालांकि ये और ये तो कैंसिल भी तो बचा कितना वन, तो लाना भी हमको क्या था वन ही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। सात के तीसरा नंबर सॉल्व, सात के क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर वन माइनस
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर फोर इंटू वन माइनस ओमेगा टू द पावर फोर प्लस में ओमेगा टू द पावर एट इंटू वन माइनस ओमेगा टू द पावर आठ प्लस ओमेगा टू द पावर सोलह इज इक्वल टू साबित करना है सोलह। देखिए यहाँ तो वन है और यहाँ ओमेगा स्क्वायर, दोनों को अगर मिला दे तो माइनस में ओमेगा, और ये पहले से माइनस ओमेगा है, ये यहाँ वन है माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और जैसे ही पावर ओमेगा पर पावर तीन से बड़ा है तो तुरंत तीन से भागा दो इसमें, और बोलो जैसे पावर चार है ना तो चार में तीन से भागा दो और शेषफल बचा एक, देख लिखो जैसे यहाँ पे वन पावर फोर है तीन से बड़ा है तो इसमें तीन से भागा देते तीन एकम तीन, फिर भी शेषफल कितना बचेगा एक, पावर आठ है तो तीन से भागा देंगे तीन दूनी छः तो कट जाएगा पावर बच जाएगा दो, वन माइनस ओमेगा टू द पावर दो बचेगा, यहाँ सोलह है तो तीन पचे पंद्रह गया ख़त्म एक पावर बच गया। इधर देखिए माइनस में टू ओमेगा, यहाँ वन प्लस ओमेगा को एक साथ लिखेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये तो खैर ही है माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर एक साथ लिखे तो माइनस में ओमेगा और ये पहले से माइनस ओमेगा, यहाँ वन प्लस ओमेगा को एक साथ कर दिए तो माइनस में ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों को एक साथ किए थे और ये तो खैर है ही है माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस टू ओमेगा माइनस 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 में टू ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 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 टू ओमेगा, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, माइनस में टू ओमेगा स्क्वायर, ई माइनस 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 ख़त्म, दो दूनी चार ओमेगा पे पावर तीन, यहाँ माइनस कैंसिल, दो दूनी चार ओमेगा पे पावर थ्री, चार चके सोलह, और ओमेगा टू द पावर थ्री का मान वन, इसका भी मान वन, तो गुना करेंगे फिर भी कितना रह जाएगा सोलह। तो टारगेट तो था आज कि हम तीन से लेके छः तक बताएं, लेकिन क्या करें आदत से मजबूर है, हमेशा ज़्यादा पढ़ाना हमको पसंद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताएं, जितना ज़्यादा हो सके बताएं, कहें ना कि एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, आप सोच रहे होंगे ना कि कहीं तो अच्छे सर अटकेंगे कहीं अटकेंगे, ये आप सोचते रह जाइएगा, ये आप सपना देखते रह जाएगा। हाँ गलती होगा, भूल चूक हमसे होता है, हम ऐसा नहीं कि भगवान है, हमसे भी थोड़ा बहुत गलती होता है, मिस्टेक हो जाता है, उसको गलती कहेंगे, ऐसा नहीं है कि इसे गुना भाग में जोड़ घटाव में हमसे गलती हो जाता है, कभी कभी माइनस प्लस में गलती हो जाता है, तो ये सब हो सकता है, लेकिन ये सब सोचना छोड़ दीजिए कि कभी हम अटकने वाले हैं इसमें, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसा नहीं कर रहे, ओवर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है यार, दसों साल से हम ये पढ़ाते आ रहे हैं, बहुत बार पहले हम प्रैक्टिस कर चुके हैं बता चुके हैं, और वही हम चाहते हैं कि अगर इस धरती पर हैं तो किसी को तो बता दें, अरे मर जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, यहीं पर रह जाएगा, ये कोई काम आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आइंस्टाइन का भी दिमाग क्या हो रहा है, म्यूजियम में रख दी और स्टडी करोगे उससे क्या हो जाएगा, दिमाग आइंस्टाइन का हो जाएगा, जिसका दिमाग था उसी के साथ चला गया वो, तो हमको लगता है कि जितना हम जानते हैं चलो आपके लिए बता देते हैं, तो मन से पढ़ो यार, ठीक है, इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही जगह पे पूरा मैथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपके पास सालों भर टाइम है, एक साल में पूरा मैथ हम सॉल्व कर देंगे, तो इसी तरह से देखते रहिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी पुराने लोग हैं प्लीज़ यार शेयर ज़रूर कर देना एक दो लोगों को, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, और आपके जो क्लासमेट है आपके साथ जो पढ़ने वाले सहपाठी हैं उनको बता दीजिए कि अगर मैथ में प्रॉब्लम होता है तो इस क्लास को देख ले, इस वीडियो को देख ले, इस क्लास को ज्वाइन कर ले, कोई पैसा नहीं लगता, आपसे एक रुपया का एक पैसा भी नहीं लेंगे, सिर्फ कहते हैं फ्री में आप देखिए आप सीखिए, अरे कम से कम आप सीखोगे मेरा नाम होगा, नाम ही बहुत बड़ी चीज़ है, और हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे बस, तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।